हेलो एवरीवन, इन प्रीवियस वीडियो वी रेड अबाउट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इन दैट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट हाउ वी यूज़ द मनी, बिकॉज वी होल्ड मनी, सो दैट्स वे वी कैन यूज़ दैट इजीली. देन आफ्टर दैट वी रेड अबाउट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट करेंसी. Currency was when the government authorized that currency we use accepted as a medium of exchange. Is that clear? Currency is in rupees and coins also. Okay, we can use that thing also. And after that, I told you about the deposit with bank. कि मनी जो है हम डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक के जरिए भी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि we can transfer the money by check, by money order and by demand draft. Is that clear? So now we are reading about, we are talking about loan activities of bank. Let us take the story of bank further. What do the bank do with the deposit which they accept from the public? हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे कि बैंक क्या करता है जब हम उनको पैसा डिपॉजिट करते हैं तो. There is an interesting mechanism at work here. Bank keeps only a small portion of their deposit as cash with themselves. Bank थोड़ा सा पैसा अपने पास रखता है, बाकी सबका सब surplus कर देता है, circulate कर देता है. For example, bank is in India these days hold about 15% of their deposit as cash. Bank 15% cash अपने पास रखता है. This is kept as provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank on any given day. वो भी इसलिए कि कभी भी वो person उसको bank से किसी एक given days में ले सकता है, withdraw कर सकता है. For that purpose वो अपने पास इसको अपने पास रख लेता है loan को. ठीक है, 15%. सो बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन. ज़्यादातर पोर्शन वो लोन में दे देता है उसको एक्सटेंड करने के लिए. सो हेयर ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. वी शैल रीड दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर. हम दो स्टोरीज, दो सिचुएशंस पढ़ेंगे उसके लिए कि बैंक जो पैसा उनको देता है. बैंक एक्चुअली डिड द वर्क एज मीडिएटर. बैंक एक मीडिएटर का काम करता है. क्या होता है उसमें कि डिपॉजिटर पैसा डिपॉजिट करता है, उसके पैसे को संभाल के रखना बैंक का काम है, और जो लोन लेना चाहता है वो ह्यूज डिमांड उसको प्रोवाइड करता है. इज दैट क्लियर? मीन बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड. सो बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन. जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ब्याज लगा के दिया जाता है. देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स. जो वो डिपॉजिट करने के लिए ऑफर करते हैं, जब हम बैंक सबमिट करवाते हैं पैसा तो हमें लो रेट इंटरेस्ट मिलता है. जब हमारा पैसा वो दूसरों को देते हैं तो हाई रेट इंटरेस्ट लेते हैं. एक तो ये इसमें डिफरेंसेस है. इज दैट क्लियर? Now we are reading about two different credit situation. Credit की दो situations है, different. One is the festival season. Here we discuss about one story regarding the festival season. In the festival season, 2 months for new and the now the shoe manufacturer Salim, एक shoe manufacturer person है, उसका नाम है Salim. उसने क्या किया, हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर. उसने एक ऑर्डर रिसीव किया फ्रॉम लार्ज ट्रेडर, बड़े ट्रेडर से, इन द टाउन, शहर से, फॉर 3,000 पेयर ऑफ शूज़ टू बी डिलीवर इन द मंथ टाइम. तो उसने ये ऑर्डर रिसीव किया कि एक महीने वो 3,000 जोड़ी जूतों की बना के कंप्लीट करके देगा. तो उसको अपना टास्क कंप्लीट करना था. सो स्लीम हैज़ टू हायर ए फ्यू मोर वर्कर. उसने उसके लिए कुछ वर्कर्स को हायर कर लिया. किनको हायर किया? जो उसको स्टिच कर सकते थे, बूट को पेस्ट कर सकते थे अपना काम करने के लिए. उसके लिए इसने क्या किया, हैज़ टू परचेज रॉ मटेरियल. अब शूज़ किसके बनते हैं, लेदर के. तो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, जैसे लेदर परचेज कर लिया. तो अपनी मीट को, अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए स्लीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम टू सोर्स. स्लीम ने दो सोर्स से पैसा लोन लिया. पहला सोर्स कौन सा था? ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर. पहला लोन तो उसने ऐसे ले लिया कि लेदर वाले को बोला कि तू मुझे लेदर सप्लाई कर दे, अभी मैं जब शूज़ बन जाएंगे बेच दूंगा, उसका जो पैसा आएगा वो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको पे कर दूंगा.
सेकेंड सोर्स था उसका, ही ऑब्टेंड लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर, बड़े व्यापारी से जिसने उसको ऑर्डर दिया था 3000 का, उससे उसने कैश ले लिया, एडवांस पेमेंट 1000। उसने कहा कि आपको 3000 जूते बना के देने हैं तो आप 1000 जूते की पेमेंट जो है मुझे एडवांस दे दो, 2000 की तब दे देना व्हेन आई डिलीवर माय ऑर्डर। सो एट द एंड ऑफ मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, तो मंथ के एंड में उसको ऑर्डर डिलीवर करने में एबल हो गया क्योंकि सब कुछ उसके पास मिल गया था। सो लाइक दिस ही मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरो, तो इसमें उसने गुड प्रॉफिट लिया जो उसने बोरो किया था। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर स्टोरी, स्वप्नाज प्रॉब्लम। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है, अ स्मॉल फार्मर ग्रोस ग्राउंड नट ऑन हर 3 acres ऑफ लैंड, उसने अपने 3 acres जमीन के ऊपर ग्राउंड नट क्रॉप जो था ग्रो करना था। शी टेक्स ए लोन फ्रॉम मनी लैंडर, उसने मनी लैंडर से लोन लिया टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ कल्टिवेशन, जो भी खर्चा आना था कल्टिवेशन के लिए उसके लिए। होप दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे लोन, उसको उम्मीद थी कि उसकी जो है रीपे हो जाएगा लोन, उसको हेल्प होगी जब प्रोडक्शन हो जाएगी तो। सो मिड वे थ्रू आउट द सीजन द क्रॉप इज हिट बाई पेस्टस, तो बीच में जो क्रॉप्स थी वो उसको कीड़ा लग गया, सो उसके लिए उसको क्या हुआ द क्रॉप फेल। दो सपना स्प्रे, सबकी सपना, हालांकि सपना ने स्प्रे किया था ऑन हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव महंगे पेस्टिसाइड के साथ जो, और उसके अलावा उसने और भी बहुत सारे अपने एक्सपेंसिस यूज़ किए थे। एंड शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लैंडर, मनी लैंडर से जो कर्जा लिया था अनेबल होगी। एंड द डेप्ट ग्रोस ओवर द ईयर इन टू ए लार्ज अमाउंट, उसके ऊपर साल में बहुत सारा कर्जा पड़ गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स ए फ्रेश लोन फॉर कल्टिवेशन, अब नई क्रॉप के लिए उसको फिर लोन लेना पड़ा इसके लिए। इट इज़ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस बार नॉर्मल क्रॉप थी बट अर्निंग आर नॉट इनफ, उससे उसको ज़्यादा पैसा नहीं हुआ कमाया गया, सो दैट्स वाई ओल्ड लोन वो कवर नहीं कर पाई। शी इज़ कॉट इन डेप्ट, शी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ लोन एंड पे ऑफ डेप्ट, उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो था लैंड का सेल कर दिया, बेच दिया और अपना जो कर्जा था वो उसको रीपे किया। नाउ आई टोल्ड यू टू स्टोरीज, इन द फर्स्ट स्टोरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आर डे टू डे लाइफ एवरीबडी नोज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म इन अदर, हमें रोजाना जिंदगी में बहुत से खर्चे होते हैं जिसमें हमें लोन लेना पड़ता है। क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट, क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हमें लैंडर और सप्लायर्स के साथ होता है कि बॉरर उसके साथ मनी या गुड एंड सर्विसेज जो भी है रिटर्न करना होता है गिवन प्रोमिसज में। तो इन फर्स्ट केस, जो पहला केस था फेस्टिवल वाला, उसमें क्या हुआ, क्रेडिट प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन द सिचुएशन, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, उसने पैसा लिया अपनी प्रोडक्शन के लिए जो जरूरतें थी पूरी की, एंड क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, तो वो समय पे कंप्लीट कर पाया एंड देयर बाय इंक्रीज इज अर्निंग, उसकी अर्निंग इंक्रीज होनी शुरू होगी। इस तरह से जो क्रेडिट था उसने वाइटल रोल अदा किया। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सपनाज रोल। सपना के केस में क्या था, शी टुक द लोन बट हर क्रॉप्स वॉज फेलियर, शी अनएबल टू रीपे द लोन, अगेन शी टुक द लोन, तो उसकी कंडीशन जो थी पहले से वर्स हो गई, सो लेफ्ट हर वर्स ऑफ। सो सेकेंड सिचुएशन में क्या आएगा, इन द सेकेंड सिचुएशन क्रेडिट पुशेस, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरो इन टू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, जिसमें उसकी रिकवरी बहुत पेनफुल हो गई थी। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर पर्सन इज़ बेटर ऑफ देन बिफोर, पहले से अच्छी लाइफ स्पेंड करने लग गया था। इन द अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इन टू डेप्ट ट्रैप, सो टू रीपेयर हर लोन शी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड, शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर, अब पहले से भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी इसकी। सो वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, चाहे क्रेडिट अच्छा हो या बुरा हो, यूजफुल हो या ना हो, देयर फॉर इसलिए डिपेंड्स ऑन रिस्क, रिस्क पे डिपेंड करता है इन द सिचुएशन एंड वेदर देर इज़ सम सपोर्ट इन द केस ऑफ लॉस। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनाफ फॉर टुडे एंड इन फर्दर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टर्म ऑफ क्रेडिट।